हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अब मौसम अच्छा चल रहा है, अब पढ़ने का भी मन करेगा। तो आज मैं जो हमारा क्लास 7th के टॉपिक्स रह रहे हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स आज करा दूंगी, कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल तोमर मल्टीटेक में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल लाइक कमेंट। हमारा चैप्टर था इंटीजर्स। नाउ उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। सबसे पहली हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसमें एडिशन प्रॉपर्टी में भी हमारा आता है सबसे पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम टू इंटीजर्स जोड़ रहे हैं, जैसे 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो हम इनको जोड़ रहे हैं तो उसका जो सम आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। चाहे आप माइनस के 10 प्लस के 3 है इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस के 7, तो ये भी एक इंटीजर ही है। तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि चाहे हम कोई भी इंटीजर जोड़ें, कोई भी इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका जो सम या सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो हमारा एक इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट इज सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस में ए। जो आपकी दर वैल्यू है, ये आपको इसके इक्वल भी कभी कभी इसमें आता है कि इसको एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना होता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि 4 + 3 इक्वल टू में 3 + 4, 7 इक्वल टू में 7, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपके एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है आपका, इसमें आपका है ए प्लस में 0 इक्वल टू ए, या फिर 0 + a इक्वल टू ए। ये ए एक इंटीजर है, जैसे कि हमने 4 + 0 किया तो उसका आंसर क्या आया, 4। तो ऐसे ही ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, हम किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो हमारा जो जो इंटीजर है वो का वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में जैसे आपका 4 है, वैसे तो इसका ये है ए प्लस में माइनस ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि जैसे 4 है तो प्लस में उसका उल्टा माइनस के 4 इक्वल टू 0। अगर आपका माइनस के 4 है वैल्यू तो प्लस में 4 इक्वल टू 0। जो आपकी वैल्यू ए दे रखी है उसका हमें उल्टा लेना है, तो आपका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएशन लॉ ऑफ एडिशन, या एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं हम इसको, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी, ये आपका ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपकी एडिशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? सबसे पहली क्लोजर थी, यानी कि आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो इंटीजर आएगा। दूसरी है ए प्लस में बी इक्वल टू बी प्लस में ए, फिर है ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी, मतलब कि ऐसे, और फिर ए प्लस में 0 इक्वल टू ए, और ए प्लस में माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में भी वही है, सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। हम किसी भी वैल्यू को जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो एक इंटीजर ही होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर हैज इट्स प्रेडिसर। एवरी इंटीजर हैज इट्स प्रेडेसर, मतलब कि जैसे
आपकी वैल्यू दे रखी है 1, तो उसका प्रेडिसर क्या होगा, 1 माइनस के 1 0, उससे जो पहली वैल्यू है 0 आ गया। अब जैसे आपकी वैल्यू दे रखी है -5, उसमें फिर आप -1 करोगे तो उसका प्रेडिसर होगा -6। तो हर एक इंटीजर का प्रेडिसर्स होता है, तो आपकी जैसे 1 थी तो 1 माइनस के 1 0, और -5 था तो माइनस में आप मतलब उसमें से -1 कर दो, वो आपका जो भी आंसर आएगा वो उसका प्रेडिसर होगा। जैसे 4 है, -1 इक्वल टू 3, तो ये इससे पहली वैल्यू क्या होगी, 4 से पहली वैल्यू 3 होगी, ये आपका इसमें सब्ट्रैक्शन के में आ गया। अब आपकी जो प्रॉपर्टी जो एडिशन में थी, ए प्लस में 0 इक्वल टू ए, वही सब्ट्रैक्शन में आ जाती है आपकी, ए माइनस 0 इक्वल टू ए, दोनों में ये प्रॉपर्टी सेम आ जाती है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आपको खुद करके देखनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।